मुताहिर बेटी इधर आओ। जी बेटे काम करो, जो मैं को घड़ी देनी थी वो हम घर भूल आए। तुम जाओ ला दो, अम्मा जी के कमरे में उनकी अलमारी के लेफ्ट ड्रॉ में पड़ी हुई है। अम्मी कल दे दीजिएगा, जरूरी थोड़ी कि आज ही देनी है। मुताहिर क्या कह रहे हो, तब बड़े हो गए तुम, कब अकल आएगी? अम्मा जी समझाए ना इसको, बेटे भाईजान ने सारी जिंदगी हमें इतने तोहफे दिए हैं और खास तौर पे तुम्हारी शादी पे तो उन्होंने इंतहा कर दी थी तोहफे तहाइफ की। और इनके इकलौते बेटे की शादी है और पप्पो खाली हाथ बैठ जाए, अच्छा थोड़ी लगेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। और फिर अब उमेर के साथ हमारे दो दो रिश्ते हैं, भतीजे के साथ साथ दामाद भी बन गया है वो। जाओ ना बेटे, कहना मांगते हैं ना, अच्छे बेटे हो ना तुम, अम्मा जी कहना इसको। ताहिर बेटा साइमा बिल्कुल सही कह रही, तुम घर जाओ लेकर आओ फौरन। उमेर और अनिका उसकी भतीजा भतीजी है, खाली हाथ बैठी रहेगी सलामी में कितना बुरा लगेगा। जाओ ना। देता हूं इसे तोहफा। सलमा मैंने तुमसे कितना कहा था कि घर से निकलते हुए देख लो सब कुछ, कुछ रह ना जाए। अम्मा जी मैं तो आपकी आस में रह गई ना। और बताएं आप ठीक है? अनिका वल अफनान अहमद, आपका निकाह उमैर वल मंसूर अहमद के साथ मुबलिक 50 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? रुकिए, ये निकाह नहीं हो सकता। क्या बक रहे हो तुम? तुम कौन होती हो निकाह रुकवाने वाले? मैं अनिका का शौहर। अनिका ने मेरे साथ निकाह किया है।